देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ज्ञानदीप एकेडमी के प्रभारी सह प्रधानाध्यापक ने बच्चों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं संग किया भ्रमण। दिसंबर का महीना और कुछ की मास में लोग अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं घूमने और पिकनिक मनाने की आस लिए किसी ना किसी स्थान पर जाने को तैयार रहते हैं। इसी क्रम में ज्ञानदीप एकेडमी के प्रभारी सह प्रधानाध्यापक सुनील कुमार अपने स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं संग 25 दिसंबर बड़ा दिन को जमुई जिले के भीम बांध पहुँचे। यहाँ पहुँच पिकनिक मनाने के साथ बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रकृति की गोद में बसे इस स्थान का आनंद लिया और यहाँ पाए जाने वाले प्रकृति के द्वारा पाए जाने वाले गर्म पानी के कुंड में स्नान करने का आनंद उठाया। प्रभारी सह प्रधानाध्यापक सुनील कुमार संग शिक्षकों ने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास के लिए और नए नए स्थानों की जानकारी को लेकर ये कार्य करना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से मैंने ये कार्य किया। इस दिशा में सारे स्कूल को ये कदम उठाया जाना चाहिए, इससे बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यांशु कुमार। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? ज्ञानदीप एकेडमी। आज यहाँ पर जो घूमने के लिए आए हो, इस जगह का नाम जानते हो क्या? यस सर, भीम बांध। कौन लाए तुमको? सर। क्या नाम है तुम्हारे सर का? सुनील कुमार शर्मा, ये मेरे हेड सर है। अच्छा, एक बात बताओ, आज यहाँ पर तुम जो घूमा है, उन स्थान का नाम बताओ जहाँ जहाँ घूम करके तुमको बड़ा आनंद आया होगा। भीम बांध में एक कुंड है जिसमें हम सब नहा के बहुत मस्ती किए हैं और यहाँ पे एक पिकनिक मनाकर हम सब बहुत मस्ती किए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? करिश्मा कुमारी। कौन से स्कूल से हो? ज्ञानदीप एकेडमी। आज यहाँ जो पहुँची हो, ये जगह का क्या नाम है और यहाँ पर आने के बाद कैसा कैसा मस्ती हुआ है तुम्हारा? इस जगह का नाम भीम बांध है और हम लोग यहाँ बहुत मस्ती किए हैं। कहाँ कहाँ घूमी है? स्विमिंग पूल में हम लोग नहाए और पार्क में। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ क्या बच्चों के लिए और सारी व्यवस्था थी, क्या 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 देखी है? हम लोग स्विमिंग पूल में गए, कुंड में नहाए और पार्क में भी गए। कैसा लगा पार्क में घूमने के बाद? बहुत मजा आया। सहेलियों सहेली के साथ में पूरा मौज मस्ती की है, घर में जाकर के क्या बताएगी? कि हम लोग मजा किए। कैसा लगा स्कूल का डायरेक्टर, यहाँ के शिक्षिका, यहाँ के शिक्षक जो तुम लोगों को यहाँ पर लाए हैं? बहुत अच्छा। क्या कभी पहले आई थी? नहीं सर, पहला बार आई है। यस सर। तब तो तुम्हारे लिए एकदम गुडविल होगा। यस सर। मैडम, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? रितु रानी। और कौन से विद्यालय से हैं? ज्ञानदीप एकेडमी। आज ज्ञानदीप विद्यालय के तरफ से तमाम बच्चों को यहाँ पर लाया गया, ये कौन सी जगह है? भीम बांध। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है और आप जो देखे हैं, आपके जो बच्चे देखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? यहाँ पे कुंड है, बहुत सारे पर्यावरण टाइप की जगह है और बच्चों को बहुत ही आनंद आया है यहाँ पे। बहुत अपने बहुत मस्ती किए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किए हैं। कुछ बच्चे बोले हैं कि मैं पहली बार आया हूँ, तो ऐसे में उन विद्यालयों को क्या प्रेरणा देंगे जिन्हें अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए कभी न कभी लाना चाहिए, बच्चों के साथ भी समय बिताना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखना चाहिए? बच्चों को यहाँ पे लाना चाहिए ताकि उसका मनोबल विज्ञान है जो कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना ही ये ठीक नहीं है, उनका एक कुछ अलग भी होना चाहिए ताकि उसका माइंड का जो पढ़ाई के ऊपर जो प्रेशर होता है ये नहीं, थोड़ा उसका माइंड चंचल भी होना चाहिए ताकि ये दूसरी जगह घूम के अपना माइंड को वो फ्रेश कर सके और बहुत सारे इंजॉय कर सके, मस्ती कर सके। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? सतीश कुमार। लोग कहते हैं कि बच्चों का मनोबल बढ़े, इसको लेकर के बच्चों को शिक्षकों के साथ कभी कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल देखने अथवा कहीं मौज मस्ती के लिए ले जाना चाहिए। ऐसे में आज आपके विद्यालय के जो प्रभारी हैं और आप लोग जो हैं अपने बच्चे को लाए हैं, तो ऐसे में बच्चों का मनोबल किस प्रकार से बढ़ता है सर? ये वन विभाग के अनुसार से हम लोग को देखने के लिए बच्चों को जरूरी है कि हम लोग घर में रहते हैं, थोड़ा सा देखना भी जरूरी है बाहर का कि किस प्रकार के अभयारण्य के द्वारा बनाया गया है और उसको हम लोग किस तरह से देखें और बच्चों का हौसला बढ़ाने का हम लोग काम किए हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? सर, बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए कितना जरूरी होता है? बहुत आवश्यक है, बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए पर्यटन कराना जरूरी है। सर, आप अपना शुभ नाम बता देंगे? कुंदन कुमार रावत। आज जितने भी बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका मनोबल किस तरह से बढ़ा है सर? प्राकृतिक चीज़ें देखने के बाद सर बच्चों में खुशी हर्ष होता है, प्राकृतिक हकीकत का चीज़ है, हम लोग किताब में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ पे ला के हकीकत दिखाएं कि ये चीज़ ऐसा है, प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ है, इससे बच्चों को खुशी होता है।
सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे? कुमार शर्मा। और कौन से विद्यालय से हैं सर आप? ज्ञानदीप एकेडमी। आज 25 दिसंबर को लेकर आप अपने बच्चे को यहाँ पर आए हैं और बच्चे लोग के साथ में छुट्टियाँ मना रहे हैं, इसमें विशेष क्या है और आज का दिन क्यों, मतलब कि आप बच्चे लोग के साथ में ही मनाना चाहें? आज 25 दिसंबर है, सभी का छुट्टी का दिन भी है और साथ ही क्रिसमस डे भी है। बच्चों का साल भर में एक थोड़ा सा परिभ्रमण करने के लिए, बाहर में थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए हम लोग लेकर आए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे सर कि बहुत सारा स्कूल ऐसा भी होता है जो इन दिनों को याद तो करते हैं लेकिन इन दिनों को पिकनिक के तौर पर याद कर लेते हैं और खुद मतलब आते हैं और अपने जो विद्यालय के बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, भाई जैसे मनाना है तुम अपना मनाओ। नहीं नहीं, एक वनभोज होना चाहिए, बच्चों के प्रति थोड़ा सा उत्साह बच्चों में जगता है। बच्चों में जब तक उत्साह नहीं जगाइएगा तब तक उसका सही तरह से उत्थान हो पाना या विकास हो पाना असंभव है। अच्छा, आज आप जो अपने बच्चे को लेकर के आए, ये कौन सा जगह है और यहाँ पर बच्चों का मनोरंजन किस प्रकार से हुआ है? आज 25 दिसंबर को हम लोग भीम बांध आए हुए हैं। बच्चे बहुत कुंड में नहा करके अपने आप को उत्साह या खुशी महसूस किए हैं। तकरीबन कितने बच्चे आएंगे आपके साथ में सर? लगभग विद्यालय से 50-55 बच्चे हैं। और इनकी गाइड के लिए आपका शिक्षक और शिक्षिका भी हैं। कौन कौन से शिक्षिकाएँ हैं? शिक्षिका हैं सोहा मैडम हैं, मौसम मैम हैं, ऋतु मैम हैं, सेजल मैम हैं। और शिक्षकों में भी कोई है क्या? शिक्षकों में भी सतीश सर हैं और टुनटुन सर आए हुए हैं।